फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताकझाक करने की आदत होती है। बैठ जाइए। देखिए मुझे जम्मू की पुलिस से डर लगता है, लेकिन मेरे दिल्ली की पुलिस बड़ी प्यारी है। 100 नंबर पे फोन करो तो आ जाती है, 100 रुपए दे दो तो चली जाती है। हाय हाय। तो पत्नी ये दोनों करती है, हमको प्रेम भी करती है और हम पर अत्याचार भी करती है। जितने शादीशुदा लोग हैं यहाँ पर, चाहे HOP बन जाएं, चाहे AED बन जाएं, महाप्रबंधक बन जाएं, जिंदगी में एक बार जरूर अपनी पत्नी से सुन चुके हैं आपको तो कुछ अकल ही नहीं है। देखिए सब कह चुके हैं और जो लोग ताली बजा रहे हैं वो रोज सुनते हैं। बोले किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। थैंक यू सो मच। राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण। तो एक गिरगिट मिला मुझे, आप लोग गिरगिट जानते हैं, सभी जानते हैं, हम लोग होते उसी के जैसे, बस शो नहीं करते हैं। सब उसी की तरह। सर भगवान की कसम खाकर कोई सच्ची घटना बताना चाहेंगे हमारे? नहीं, मैं भगवान की कसम खाकर के सच्ची घटना सब बता चुका हूं। अब अगर आपको हमसे फिर से सुननी तो आप मीडिया वाले लोग एक बड़ा कवि सम्मेलन कराइए और हम लोगों को तब बुलाइए, हमको पैसा दीजिए, तब हम सच्चा भगवान कसम बहुत अच्छा अच्छा सुनाएंगे। सारी जो आपने सुनी है ये सब सत्य नहीं थी, भगवान कसम। जो डॉक्टर ने पर्चे पे लिखा है उड़ते हुए कौवे देख रहे पड़े, हमने कहा डॉक्टर ने पर्चे पे क्या लिखा है, तो पर्चा दिखाया बोले देखो क्रोसीन लिखा है। ये भारतीय लड़की ने एरोप्लेन से लेके सब कुछ उड़ा लिया, वो स्पेस में चली गई, तो क्यों ना हम उसको समाज में भी बराबर मान्यता दें, उसके अधिकार बराबर किए जाएं। डी-स्ट्रेसिंग सेशन लगा मुझे, और वैसे भी कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। NHPC सलाल पावर प्रोजेक्ट द्वारा आज ज्योतिपुरम के रामलीला मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 5 कवि जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, जिसमें वीर रस की कविताएं, प्यार की कविताएं और व्यंगात्मक कविताएं शामिल रही। विशाल भाई, तुमने जब से अपनी पलकों पर रखा कालिख को सब काजल काजल कहते हैं, क्या खूबसूरत शेर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए क्या है कि जम्मू कश्मीर का नाम सुनते ही जो शेष भारत के लोग हैं उनके मन में एक अजीब सी उत्सुकता, एक अजीब सा डर और एक अजीब सा रोमांच आता है। यही हमारे मन में भी आया कि जब जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हम आ रहे हैं कविता सुनाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के हमें ये महसूस हुआ कि जो जम्मू कश्मीर को लेकर के लोगों के मन में जो थोड़ा सा भय है या रोमांच है या घबराहटें हैं वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत अच्छा है और यहाँ का वातावरण बिल्कुल शेष भारत की तरह पूरा हंसी खुशी और खुश मिजाजी से भरा हुआ है। यहाँ पर कवि सम्मेलन जो सलाल पार स्टेशन पर हुआ है ज्योतिपुरम में, वो बहुत ही अद्भुत हुआ है। 5 कवि हम लोग थे, प्रिय गजेंद्र प्रियांशु, पद्मिनी शर्मा और बाग साहब हमारे, और उपेंद्र पांडे जी। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी और सबसे बढ़िया बात ये लगी मुझे कि जो श्रोता थे उन्होंने अद्भुत और अच्छे ढंग से इस कवि सम्मेलन को सुना है। तो जब श्रोता भी अच्छा होता है और कवि भी अपनी पूरी कोशिश करता है तो सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं। बहुत अच्छा वातावरण रहा। मैं सलाल पावर स्टेशन को, जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कविता हमेशा जोड़ने का काम करती है, कविता कभी तोड़ने का काम नहीं करती। और हम लोग नीरज जी की पंक्तियों के समर्थक होते हुए ये कहना चाहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोगों के बीच में इस सुंदर प्रदेश में जिसको देवभूमि कहा जाता है हम वहाँ आए। बहुत बहुत सर, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आने का मौका मिला है कहीं पर आकर? जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आया, और उससे पहले कई बार आया, मैं 2-3 बार आया, लेकिन मैं जो आखिरी बार आया था वैष्णो माता के दर्शन करने वो 2006 या 2007 था। तो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ आना हुआ कि कवि जो है कल्पना जीवी भी होता है और सत्यवान भी होता है, वो सत्य के साथ भी चलता है। और कवि, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कवि जो समाज में देखता है उसको कविता में ढालता है। मैंने जो कविताएं सुनाई उसमें थोड़ा सा रोचकता बढ़ाने के लिए, जैसा प्रिय गजेंद्र बता रहे हैं कि थोड़ा रोचक बनाने के लिए
हम लोग जरा सा उसमें नाटकीयता डालते हैं, लेकिन घटनाएं सब सच्ची होती हैं और जो कवि होता है वो सच्चा हृदय। मैंने बोला था कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से आप प्रयास कर सकते हैं। हम देवर को, भाभी जो होती है देवर को द्विवर कहा गया, यानी दूसरा वर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वास्तव में वर हो जाएगा। उसके साथ वो चुहलबाजियां वो हो सकती हैं जो हम पति के साथ करते हैं वो, लेकिन मर्यादित रूप से। जो साली होती है उसको आधी घरवाली कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उसको अपने घर उठा लाएंगे, उससे शादी कर लेंगे। हम उसके साथ चुहल कर सकते हैं, परिहास कर सकते हैं। परिहास और उपहास में अंतर होता है। जो नारी का अपमान करता है वो पुरुष अच्छा नहीं है, जो नारी पुरुषों का अपमान करती है वो नारी अच्छी नहीं है। यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश अगर ये है तो यहाँ पर पुरुष को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वही नारी को देवी बना रहा है और कोई नहीं बना रहा, पुरुष ही नारी को देवी कह रहा है। तो एक दूसरे का आदर करिए, सम्मान कीजिए और जम्मू कश्मीर की जय बोलिए। सर, भगवान की कसम खाकर कोई सच्ची घटना बताना चाहेंगे हमारे? नहीं, मैं भगवान की कसम खाकर के सच्ची घटना सब बता चुका हूँ। अब अगर आपको हमसे फिर से सुनने तो आप मीडिया वाले लोग एक बड़ा कवि सम्मेलन कराइए और हम लोगों को तब बुलाइए, हमको पैसा दीजिए, तब हम सच्चा भगवान कसम बहुत अच्छा अच्छा सुनाएंगे। सारी जो आपने सुनी है ये सब सत्य नहीं थी, भगवान कसम। मैडम, आज ज्योतिपुरम के रामलीला मैदान में NHPC द्वारा कवि सम्मेलन करवाया गया था, उसमें आप यहाँ पर पहुंचे थे, किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा आनंद आया और मुझे ऐसा लगा कि ये NHPC का जो कैंपस है ये एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी दुनिया है और ये बहुत सारी जो कमियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, जो करप्शन है, उससे अलग हटके है। ये अलग ही दुनिया है। जो यहाँ पे रहता है उसका व्यवहार बहुत ही विनम्र हो जाता है। यहाँ लोगों से मदद मांगो तो वो बहुत आसानी से, वो तो इस बात पर खुश हो जाते हैं कि उनसे मदद मांगी गई है। और मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मंच से भी बहुत अच्छा रहा। इंजीनियर्स को कविताएं सुनाने में बहुत आनंद आता है क्योंकि उनकी समझ अच्छी होती है हर मामले में। और मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगेगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आपकी कविताओं में भी जो पुरुष और स्त्री का छोटा मोटा जो मन मुटाव होता है वो देखने को मिला है जी। तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस रहा और घूमने का मौका भी मिला है आपको ज्योतिपुरम में पूरे रियासत में? नहीं, मुझे घूमने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा शेड्यूल अभी काफी बिजी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का थोड़ा सा भेद रहता है, उसका कारण ये है कि आज वो जमाना है जिसमें नारी सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं और नारी एक्चुअली बहुत आगे बढ़ गई है। एक लड़की ने, भारतीय लड़की ने एरोप्लेन से लेके सब कुछ उड़ा लिया, वो स्पेस में चली गई। तो क्यों ना हम उसको समाज में भी बराबर मान्यता दें, उसके अधिकार बराबर किए जाएं हर मामले में, भले ही वो घर में खाना बनाने का काम हो या बाहर जाकर पैसे कमाने का काम। मंच पे अभी भी महिलाओं की कमी रहती है थोड़ी? कम जी, बिल्कुल कमी रहती है और मैं उस कमी को पूरा करने की हमेशा पूरी कोशिश करती हूँ। और मैं बहुत सी लड़कियों को, जो भी मेरी बहनें लिखती हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन देती हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। बाकी NHPC में आके मुझे इस बात पर भी बहुत गर्व हुआ कि जो लड़कियाँ हैं वो बहुत काम कर रही हैं, महिलाएं बहुत अच्छे पद पर हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। पुराने जमाने में किसी भी कंपनी में 100 अगर पुरुष होते थे तो 4 महिलाएं होती थी, लेकिन आज महिलाओं की संख्या लगभग 40% है। ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा समय के साथ, मुझे ऐसा विश्वास है। शुक्रिया। DC रियासी विशेष पाल महाजन जी भी मुख्य रूप से इस कवि सम्मेलन में शामिल हुए। लाल पावर प्रोजेक्ट है, उसके HOP भी यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल रहे और इस कवि सम्मेलन का गवाह बने। कवि सम्मेलन अब खत्म हो गया है और अलग अलग कवि जो हैं उन्होंने यहाँ पर लोगों को खूब हंसाया भी और अपनी कविताएं सुनाई, जिसका यहाँ मौजूद लोगों ने खासा आनंद उठाया। मैं GM साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि ये एक डी-स्ट्रेसिंग सेशन लगा मुझे। और वैसे भी कहा जाता है जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। जो यहाँ पे इन्होंने अपने कविताएं सुनाई, आप सब भी सुन रहे थे, मेरे ख्याल से वो आपके हृदय को और आपके दिमाग को दोनों तक पहुंचती है और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कैसी चीजें हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में हैं जिसके बारे में हमें संज्ञान लेना चाहिए। मैं किसी
अपनी व्यस्तता के कारण जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब सुनेंगे और ये सारे एंजॉय करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे एनएचपीसी के यहाँ के जो हेड हैं वो ऐसी चीज़ें और भी रेगुलर करेंगे ताकि हम भी अपने आप को एंजॉय करें। इन्होंने शुरुआत की है, मैंने जैसे आपको कहा है कि स्पोर्ट्स के इवेंट शुरू किए हैं। रियासी में इस वक्त क्रिकेट की टूर्नामेंट चल रही है, कटरा में हमारे कुछ दोस्त एक बड़ा इवेंट करवा रहे हैं 29 ऑनवर्ड्स। मैं चाहता हूं कि जैसे ही अब हमारे एग्जाम्स ख़त्म होंगे उसके बाद एक स्पोर्ट्स कल्चरल और टैलेंट को उभारने के लिए, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे टैलेंट की भरमार है, सिर्फ एक स्टेज की कमी है, तो हम और आप और सारा सिस्टम मिलके ऐसी चीज़ करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी टैलेंटेड है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे कविताओं में है, चाहे डांसिंग में है, वो बेस्ट स्टेज लेके अपने आप को और अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकें। शुक्रिया। पुणे से आए हुए हैं, दिल्ली से हैं हमारे, और यूपी से आए हुए हैं, और ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, और इस तरीके के कार्यक्रम से हिंदी का बढ़ावा होता है और लोगों का रिक्रिएशन भी होता है, इससे इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया। जिंदगी है, हाँ, इसीलिए रिक्रिएशन बेसिकली यहाँ से में हंसी में और अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से हम जीते हैं काव्य के माध्यम से उसको बड़ी सरलता के रूप में बताया जाता है, तो उससे हमें अपने आप को अनुभूति भी होती है कि उससे हमारे को कोरिलेट करते हैं हम लोग, और इसी उपलक्ष्य में हम इसी धारणा के साथ कार्यक्रम कराए हैं। हास्य के लिए है और वीर रस के लिए था इसमें, और कुछ कविताएं थी जो अपने दिनचर्या के इससे आप कोरिलेट कर सकें और अपने जीवन यापन में जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं उससे आप जोड़ सकें। सभी सज्जनों बड़े दूर से हमारे सभी कवि हमारे बीच आए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सर। ये कवि सम्मेलन एक विशेष उपलब्धि, इनकी कविताएं हम सबको दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट एनएचपीसी ग्रीनिंग द ऑफिसर्स। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, प्रवृत्ति पर व्यंग है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 100 रुपए लाओ, बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात थाने में बिताओ, बोला 100 रुपए लाओ वरना पहली रात थाने में बिताओ। अरे मैं तो 100 ही मांग रहा हूँ, अगर इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो 1000 से कम में नहीं जाएंगे। अच्छा ये दोनों होते हैं तो वकील की जरूरत पड़ती है, जहाँ जो लीगल सेल्स के लोग होंगे उनको समर्पित करता हूँ। वकील ने पहली रात में ही गीता उठाई, जुड़िएगा तो आनंद लीजिए, विशुद्ध आस है। वकील ने पहली रात में ही गीता उठाई, पत्नी की ओर बढ़ाई, बोले कहो भगवान को साक्षी मानकर कहूंगी, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। पत्नी ने सच बता दिया, सवेरे वकील साहब ने तलाक दिला दिया। जब इन तीनों का हुआ तो इन लोगों ने हमें पकड़ा, बोले बहुत दूसरों पर व्यंग करते हो, कवि की भी पहली रात सुनाओ, मजबूरी में सुनाना था कवि की पहली रात। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, टाइम ही नहीं था, कवि सम्मेलन में था, उसके पास कहाँ टाइम शादी ब्याह करने जाए। एक कवि ने शादी रचाई, अपनी पत्नी ससुराल से अपने घर मंगाई, पहली रात में ही हंसा, बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। पहली रात में ही हंसा, बोला एक परमानेंट श्रोता फंसा। अब कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। कविता में रोज नए प्रयोग लाऊंगा और सारे के सारे इसी पर अजमाऊंगा। उसके बाद कवि पहली रात बिताने लगा, स्पष्ट है कि अपनी कविताएं सुनाने लगा। उसकी धर्मपरायण, हम लोगों की पत्नियों का क्या हाल है ये सुनिएगा, उसकी धर्मपरायण पतिव्रता पत्नी अपने पति की सारी ग्रंथावलियां सहन कर रही है, और बेचारी शादी के बाद से आज तक रोज तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल कर मर रही है, तिल तिल कर मर रही है। मुझसे पूछता है कि सबसे अच्छा संचालक बताओ कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं इनका ही नाम देती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। हाय 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 हाय, पता नहीं हमारे घर के बारे में ये कैसे जानते हैं। मैं चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ।
देखिए आज जो प्रेम मुझे मिला है, हम हमेशा अपनी छुट्टियां प्लान करते थे बचपन से और हर बार सोचते थे कि जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं पहली बार जम्मू आई हूँ और जो प्रेम और जो पैम्परिंग मुझे सुबह से आज मिली है, उसके लिए एक बार आप लोग अपने लिए तालियां बजा दीजिए। कंचन जी जुड़े हुए हैं, बिछड़े हुए मिलते हैं। ये मुझे पढ़ने नहीं नहीं, नहीं मैं पढ़ने दूंगा। इनकी बातों से कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे चल के राम रहीम की गद्दी यही संभालेंगे। कुछ नहीं बोलते। पुलिस खड़ी है, बहुत अच्छी पुलिस है। मुझे जम्मू की पुलिस से डर लगता है, लेकिन मेरे दिल्ली की पुलिस बड़ी प्यारी है। अच्छा। 100 नंबर पे फोन करो तो आ जाती है, 100 रुपए दे दो तो चली जाती है। हाय हाय। मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता गिरा जो मेरी गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। कभी धरती महकती है कभी अंबर महकता है, कोई मौसम जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर। बहुत सारी फोटो ले चुके हैं फोटोग्राफर मेरी। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। बैठ जाइए। बात तो सही है। यहाँ पर दो फोटोग्राफर खड़े भी हैं 2 घंटे से। मुझे जम्मू आके भी कुतुब मीनार की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो देखिए फोटो तो 1 सेकंड में खिंच जाती है, और आजकल इंस्टाग्राम पे इतने सारे फिल्टर आ गए हैं, आप अपनी फोटो को और ज्यादा सुंदर बना सकते हैं, एकदम पतला बना सकते हैं आपको। लेकिन एक इंसान को अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन निकल जाता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जाबी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जाबी, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूँ, इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, पिछले परस ही ब्याह किलाया मुझको नई नवेली, पिछले परस ही ब्याह किलाया मुझको नई नवेली, मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहां अलबेली, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में, रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। पत्नी पर हम लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं, सब सारे लोग पत्नी पर, क्योंकि फिर मैं कहूंगा मैं इनकी तरह पद्मिनी की तरह सीधे आक्रमण नहीं कर सकता, करता भी नहीं हूं। हम उसी पर लिख सकते हैं जिसको या तो हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या हम जिससे बहुत ज्यादा अत्याचार प्राप्त करते हैं। तो पत्नी ये दोनों करती है, हमको प्रेम भी करती है और हम पर अत्याचार भी करती है। जितने शादीशुदा लोग हैं यहाँ पर, चाहे HOP बन जाए, चाहे ED बन जाए, महाप्रबंधक बन जाए, जिंदगी में एक बार जरूर अपनी पत्नी से सुन चुके हैं आपको तो कुछ अकल ही नहीं है। देखिए सब कह चुके हैं, और जो लोग ताली बजा रहे हैं वो रोज सुनते हैं। तो ये होता है, लेकिन पत्नी जो है वो घर को स्वर्ग बनाती है।
इधर मैंने महसूस किया है कि अगर पत्नी 10 दिन के लिए भी घर से बाहर चली जाए तो फिर घर घर जैसा नहीं लगता। महेश्वर तिवारी बहुत बड़े गीतकार हुए, उन्होंने कहा एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। आप लोग अपनी पत्नी के सम्मान में तालियां हो जाइएगा। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। ये होता है। हमारे सैनिक भी सीमा पर जब पहुंचते हैं तो वहां से अपने घर को चिट्ठी लिखते हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि पाकिस्तान के सैनिक भी चिट्ठी लिखते होंगे। मैं पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी सुनाता हूँ 10 सेकंड की, और उसी के बाद ये कवि सम्मेलन धन्यवाद ज्ञापन की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान के सैनिक की चिट्ठी। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहां आरा, अस्सलाम वालेकुम। जहां आ रहा है वाह शर्मा जी। जान से भी ज्यादा अजीज बेगम जहां आ रहा, अस्सलाम वालेकुम। हम हिंदुस्तान की फौज से जी तोड़ जंग कर रहे हैं। हमारे सिपाही जियाले बनकर हिंदुस्तान की फौज के सामने अड़े हुए हैं। परसों की बात है बेगम, हमने हिंदुस्तान की फौज को मजबूर कर दिया कि वो हमको 5 किलोमीटर पीछे खदेड़े। कल शाम की बात है बेगम, हम 2 किलोमीटर और कराची की तरफ बढ़े हैं। अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो इंशाल्लाह ईद घर पे ही मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।